हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ अभिषा। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बनाती थी, क्योंकि दोस्तों वो हमारा एग्ज़ाम था तो उसकी तैयारी करती थी, तो फिर व्लॉग बनाती हूँ तो उसके लिए अलग से बैठना पड़ता है ना। वीडियो में तो हो जाता है, कैसे भी कर किसी का वीडियो बनाना होता है, तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पा रही थी। पर मैंने सोचा कि इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया है तो व्लॉग बना लेती हूँ, इसलिए ये मेरा एक व्लॉग है। और जैसे कि मेरे क्लास के जैसे 7th 6th तो और बहुत 12th तक के लोगों का एग्ज़ाम तो 5th मार्च से ही स्टार्ट हो रहा है, तो सब लोग के लिए भी तैयारी के लिए बैठे होंगे। और फिर हमारा तो पहला मैथ्स है, तो हमारी मैथ्स की मैम कैसे, तो मतलब मैथ्स से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। पर जो प्रॉब्लम की बात है वो हमारा पहले SST का टेस्ट नहीं है। मैं चाहती थी कि हमारा पहले SST का टेस्ट हो जाए, पर हमारा SST का लास्ट में हो रहा है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर लास्ट में SST करने में बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार जब SST लर्न कर लो, खल्लास हो जाए, काम खत्म। पर लास्ट में है, और SST को लर्न करना कितना मुश्किल होता है आप सोच सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को हर टेस्ट के टाइम लर्न करना पड़ेगा SST। मतलब अगर वैसे पहले होगा तो फिर एक बार आराम से पूरा लर्न कर लो, हो जाएगा। तो इंग्लिश का टेस्ट तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा SST के लिए। मैं तो ऐसे ही करूँगी, क्योंकि पहले कभी मेरा SST लास्ट में हुआ ही नहीं है। हमेशा SST हो जाता है, 3 दिन का टाइम तो मिलता ही है, पर इस बार 2 मिला है। मैक्सिमम दे 2 है और मिनिमम ऑब्वियसली 1 ही होगा। मतलब इस बार तो 3 दिन किसी में भी नहीं है। पहले तो 3 दिन होता भी था, अब किसी में भी 3 दिन है ही नहीं। पहले तो 1 दिन तो इंग्लिश और हिंदी में होता है, और मैंने तो फ्रेंच भी लिया था, तो जिनका फ्रेंच और संस्कृत होता था वो उन लोगों को भी 1 दिन मिलता था। और क्या होता था कि हमारा हमें कभी कभी जैसे कि मैथ्स में तो हमें वैसे 3 दिन मिलते थे या 2 भी मिल जाते थे, पर SST में 3 दिन ही मिलते थे, 2 दिन नहीं मिलते थे। तो इसलिए पता नहीं, पर वैसे भी था कि हमारा होगा 5 मार्च से 20 मार्च तक, पर शेड्यूल में लिखा था कि 17 मार्च तक हमारा ख़त्म हो जाएगा पूरा। और ये भी प्रॉब्लम है कि गलत टाइम पे हो गया है, क्योंकि 2nd मार्च को होली है, इसलिए। और इसके वजह से हम लोग बहुत सारे बच्चे होली नहीं खेल पाएंगे एग्ज़ाम के लिए। पर हमने सोचा है कि हम लोग 1 घंटे के लिए तो कम से कम होली खेल ही सकते हैं, कि पूरे दिन तो खेलेंगे नहीं, कम से कम 1 घंटा ही खेलेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा करते, क्योंकि एग्ज़ाम है। तो ये मैं सोचती थी कि टाइमिंग गलत था, पर पिछली बार भी गलत था। मतलब तो टाइमिंग यही होता है, पता नहीं पर होली इस टाइम पे क्यों होता है। या तो होली की टाइमिंग गलत है या फिर एग्ज़ाम की टाइमिंग गलत है। तो इसलिए मैं सोचती थी, क्योंकि पिछली बार तो जो हमारा होली हुआ था वो तो बताऊँ टेस्ट के बीच में हुआ था, पर फ्रेंच का टेस्ट था, मैं संस्कृत का था। तो मतलब सर कह रहे थे कि इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस फ्रेंच का है तो फ्रेंच का तो 1 दिन मिलता है, पर तुम्हें तो 4 4 3 3 दिन मिल रहे थे, एक होली के लिए, फिर एक 2 और दिन एक्स्ट्रा मिलेगा पता नहीं क्यों। तो फिर अपन मैं प्रॉब सोच रही थी कि फ्रेंच में इतने दिन मिल गए, पर इस सब्जेक्ट में इतने दिन क्यों नहीं मिले। तो फिर सर ने हमें समझाया था, तो हम वही सोच रहे थे। तो बस यही हुआ था पिछले साल, और मुझे बहुत टेंशन है कि मैं अगर नई स्कॉलर बनूंगी तो क्या होगा। तो मैं बहुत मेहनत करूंगी, इसलिए भी मैं कम वीडियोस बना रही हूँ। और लगता है कि मैं मार्च के टाइम तो एक भी वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा। एंड बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो, मेरे सारे वीडियोस देखते रहिएगा।